नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। देखिए, चलते चलते जी जून भी आ गया, आधा महीना निकल गया साल का। क्या बात है, आधा साल, छठा महीना आ गया। चलिए जी, जानते हैं जून के महीने में क्या होने वाला है हमारी धनु राशि के साथ। ठीक है जी, तो चलिए जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, ठीक है, ये कैसे रहने वाला है। देख तो एक तो ना अपने आप को थोड़ा फ्री कर दो। बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत स्ट्रेस ले लिया, चीजें बहुत अलग तरीके से काम कर रही थी, पैसे का नुकसान भी उठाया है ना, पैसा फंस गया, पैसा आया नहीं, कोर्ट केसेस लड़ रहे थे आप। देखो पहले ना अपने कर्मों को ठीक करो और अपने आप को कोसना बंद करो, फ्री करो अपने आप को। ऑल द सैजिटेरियस, इस बात को आप लोग समझो, दूसरों को ब्लेम करने से पहले ये देखो कि आपने किसी के साथ क्या किया। ठीक है, आपने मारम पिटी करी, आपने लड़ाई झगड़े किए, गाली गलौज करी, किसी के साथ आपने कुछ ऐसा किया और आज आप चाह के भी माफी मांगने के बिल्कुल आप किस मुंह से जाओगे ये आप सोचते हो। अब जो गलतियां आपने कर दी उसको सुधारना तो पड़ेगा। कुछ ऐसा आपने कर दिया कि आपके ग्रह इतने खराब हो गए, आपका शनि भी खराब हुआ, आपका गुरु भी खराब हुआ, आपका पैसा भी खराब हुआ और आपकी जबान तो इतनी कड़वी हो गई कि आप कभी भी किसी को कुछ भी बोलते हो। लेकिन समय बहुत कुछ सिखाता है, आपके समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया और अब आपको ये समझ में आया कि किसी की बातों में आकर आपने किसी को जो कुछ भी बोला था वो आपको पता है आपने गलत काम कर दिया। ठीक है, अब आपकी लाइफ में आप सोचते हो कि क्लैरिटी तो आपको अब आ गई कि क्या सच है क्या झूठ है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। ठीक है, आप खुद बीमार होते होते फिर ठीक हो जाते हो, फिर बीमार होते हो फिर ठीक हो जाते हो, तो ये जो आपके ऊपर जो चीजें होती हैं ये आपकी अपनी सोच से होती हैं। आपका बस आपकी जो वाइफ होगी ना, आपका जो वीनस है वो आपका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में पैसा कमा पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में चल पा रहे हो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है आपका कोई काम चल रहा होगा। आपकी हो सकता है वाइफ ही कमा के आपको खिला रही हो, ऐसा भी हो सकता है, या आपकी पार्टनर है, कोई लवर है, वो आपको कमा के खिला रही हो, मतलब कोई ऐसी लेडी फिगर होगी जिसके उससे आप कमा के आपको मिल रहा होगा खाने पीने को और आप अपनी जिंदगी की ऐश कर रहे होगे। हर एक इंसान की जिंदगी में एक स्ट्रगल लाइफ आता है और अब ये साल आपके लिए फुल स्ट्रगल में है। आपने इस साल में कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो आपको नहीं करने चाहिए थे और अब आपने कर दिए, अब आप उन कर्मों की सॉरी कैसे बोलो, वो आपसे बोला नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कहीं से काम मिल जाए। आपने 25 जगह हाथ मारे हैं पर कहीं से आपकी किस्मत का पैसा आपके पास नहीं आ रहा, और वो आ भी रहा है तो आपकी वाइफ के थ्रू या आपके किसी पार्टनर या मदर या सिस्टर किसी लेडी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, चलिए जानते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिएगा और जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो अपने पार्टनर से जरूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपके लिए लकी है। ठीक है, अब आप किसी नई चीज में एंटर करने वाले हो, एक नए फ्रेज में एंटर करने वाले हो। मे बी जो भी अभी आपकी लाइफ चल रही थी अब वो थोड़ी टर्न अप हो रही है, और वो टर्न अप इसलिए हो रही है कि जब आप जानते हो कि आप सही हो या आपको पता है कि आप गलत हो, तो आपके माइंड में एक चेंज आता है। वो चेंज आपकी लाइफ में या तो किसी को सॉरी, किसी को फॉरगिवनेस, कुछ छोटी सी ऐसा जेस्चर करने से आपकी लाइफ में चेंज होता है। तो आप जब ये चीजें करेंगे तो आप किसी लाइफ में किसी चीज में एंटर हो रहे हैं। तो जब आप ऐसे फ्रेज में ऐसे सर्कल में एंटर होंगे तो आपकी लाइफ में कैसा चेंज आएगा,
आपको नेचर से कनेक्ट होने की जरूरत है। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, एक बीज बोते हैं, तो आप कभी भी आपने किसी को परेशान किया हो तो आप उनके नाम से ना एक पेड़ लगा दीजिए, उसमें रोज पानी दीजिए, उस पेड़ से प्यार कीजिए, उस पेड़ को सॉरी बोलिए कि आई एम सॉरी, और बिलीव कीजिए कि आपने जिस बंदे को चोट पहुंचाई उस इंसान का नाम लेके आप उस पेड़ को बोलते रहिए, और जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो होता रहेगा ऐसे ही आपके रिश्ते में ग्रोथ आती रहेगी। और आज नहीं तो कल अगर आपका रिश्ता खराब हुआ है तो डेफिनेटली ठीक भी होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तभी वो रिश्ता ठीक हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, आपकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं। और जी देखिए, सबसे पहला कार्ड ही ट्रस्ट का आया है, अभी तो मैं शफल ही कर रही थी। ये ट्रस्ट क्या कहता है? देखो, आपका दिमाग तो टिकता नहीं है, आज जो भी सिंगल्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, आपका दिमाग टिकता नहीं है, आप अपने पे ट्रस्ट तो करते हो बट जो फ्लर्टी आपकी नेचर है ना उसने आपको परेशान किया। अगर आप शांति से बैठ के सोचो और रीट्रीट करो आप अपने रिश्ते को, तो आपकी वेडिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत वेट किया और इस वेट का जो जो आंसर है वो मैं ये कह सकती हूँ कि वेडिंग में है, लेकिन आपको एक रिलीजियस फैक्टर नज़र आता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम लगती है, लेकिन आपकी अंगेजमेंट और आपकी वेडिंग इज ऑन द चार्ट्स, ठीक है जी। आप जानते हैं जी आपके पर्सनल आपका जो लकी नंबर है वो क्या है, और देखते हैं क्या आपको बताने की जरूरत है। ओके जी, आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका लकी नंबर है 5, और अपनी वाणी पे रखें विराम। आपकी वाणी बहुत खराब हुई है, अगर आप पहन सकते हैं तो पन्ना पहनिए, और नहीं पहन सकते तो इलायची खाइए। इलायची खाने से आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बोलना चाहेंगे तो भी गलत नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, या आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर क्लटर है या दवाइयां रखी हैं, तो कृपया उनकी कुछ सफाई कर दें, कुछ चीजों को सेटल अप कर दें, तो आपका दिल दिमाग भी शांत रहेगा और आपके रिश्ते जो खराब हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में पेड़ लगे हैं तो हटा दीजिए, अगर आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर दीजिए, और वहाँ पे एक येलो कलर का बल्ब जरूर लगा दीजिए, और अगर लगा रहे हैं तो उसको परमानेंटली जलने दीजिए, तो आपकी लाइफ में जो भी रिश्तों में जो भी कड़वाहट आपकी लाइफ में आती है और दिमाग आपका सही काम नहीं करता, अगर ये छोटी सी चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप 555 ग्रीन कलर के पेन से अपने हाथ में यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए, और देखिए आपकी वाणी, आपके रिश्ते और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आज तक खराब हो रही हैं वो ठीक होने लग जाएंगी, ठीक है जी। चलिए जी, चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। फिर भी नीचे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए, और नीचे दिए हुए नंबर पे अपना पर्सनल अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस करिए, ठीक है जी। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, ढेर सारा प्यार और आभार।